मेले में गए हो? मेले में मेले में गए हो? ऐसे एक झूला है वो जिसमें आते घोड़े हाथी लगे होते हैं, बैठे होंगे जरूर। ये बालक ये सुंदर कन्या, तो जाहिर सी बात है कि तू बालक, अगर तू बालक है तो तू सुंदर कन्या को देख रहा, वो भले देख ही नहीं रही हो पर अपन तो, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, ये तुम्हारी जन्म से आदत है, जन्म से अधिकार है, ये तुम्हारी जन्म से बदलो बेटा, सब बदल ली सब, मैं तो लड़के देखता हूँ आजकल। हाँ खुश मत हो, सुंदर कन्या की बात हो रही है। भी कोई क्लास है बेकारी चले जाए तो भाई साहब आप उसे देख, अब तुम वास्तविकता में कभी इसी घोड़े पे अपने आसपास कोई भी जो भी तुम्हारे आसपास बैठा हो उसको अगर तुम देखते हो तो क्या चक्कर काटता है तुम्हारे, कैसे लगता है? रेस्ट पे लगता है कि घूमता हुआ लगता है, वो तुम्हारा चक्कर काटता है पर फिजिक्स तो ओमेगा कह रही है। ए ए ए, ए पहले सवाल समझ लो, पहले मेरा डाउट पूछ रहा हूँ मैं, इट्स अ डाउट, बोलो यस और नो। कोई बच्चा मेरे पास आया, सर ये ओमेगा ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो ओमेगा है, पर जब मैं घोड़े पे बैठ के देखता हूँ तो मुझे तो वो ऐसे ही रुक दिखती है। ये मेरा डाउट है, सवाल बना के डाउट लिख लो फिर सॉल्यूशन देखेंगे। हाँ हाँ क्या सवाल सबको क्लियर है? फिजिक्स कहती है कि ओमेगा ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए इज ओमेगा है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी घूमना चाहिए, पर जब प्रैक्टिकली हम झूले पर बैठ के देखते हैं तो हमें पास वाली लड़की रेस्ट पर नजर आती है और किसी और को देख रही होती है। इट्स ओके चलो मैं समझाता हूँ अच्छे से, तेरा सपना पूरा करता हूँ मैं, आजा जल्दी जल्दी फटाक से, तू आ जा, एक कोई भी गेनर टाइप तू आ जा जल्दी जल्दी, अरे फटाक से तुझे समझ नहीं, इधर आ जा, तू तू बालक नहीं मैं देखूं, ये तो पोल है, क्या है तू? तू सुंदर कन्या है, तेरा एटीट्यूड है, तुझे देखना मेरे को बिल्कुल नहीं, तेरे उधर देखना है, तू अपने घोड़े पे बैठी हुई है, अब मैं इसको देख रहा हूँ, हाँ ना बोलो यार। अब मान लो कि ध्यान समझना, हम मतलब मैं जो घोड़ा है मान लो ऐसे मैं ऐसे बैठा हूँ ऐसे देखना है, अरे हाँ ना बोले यार, और तू अपने घूम रही, चल अब मान लो अगर अपन थोड़ा सा इधर आ जाए, है ना, तू थोड़ा इधर आ जा, है ना, अब अपन फिर अपन है ना ऐसे ऐसे घूमेंगे, ठीक है ना, मैं ऐसे घूमूंगा छोटा सर्कल, थोड़ा सा इधर आ जा, हाँ चलो घूम स्टार्ट, अरे चले इधर उधर देखे ना, क्या मुझे ये दिखती रही? मुझे ये और मुझे रेस्ट में भी लगी, अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई वाली बात, चल वापस आता बेटा, तू जड़त्व चीज है। हाँ अब ध्यान समझना, जब मैं पहली बार ये चली तो जो मैं चला मैं कैसे चला,
बोलो क्लियर है। तू अगर बहुत ध्यान से सोचे ना तो इस प्रैक्टिकल सिचुएशन में मैं ऐसे था और जब वहां पहुंचा तो ऐसे हो गया। मैंने दो तरीके के रोटेशन करे झूले पे। आप दो तरीके की रोटेशन करते हो क्या? आप खुद की एक्सिस पर भी घूमते हो? यस सर। अरे जब मैं ऐसे आया तो मैं ऐसे तो घुमा ही घुमा। ध्यान से सोच तो मैं ऐसे भी तो हो गया। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। मतलब मैं असलियत में जब झूले पे झूलता हूं तो हुक लगा होता है ऊपर, उसके अबाउट में ऐसे ऐसे भी करता रहता हूं। अरे यार सोच अगर मेरे इस हुक को फिक्स कर दिया जाए इधर ही। अरे यार तू जैसे पहले चलती थी वैसे ही चलना, अब मेरे हुक को फिक्स कर दिया गया, अब देखना क्या होगा। चल लड़की मेरे कहाँ आ गई? चक्कर काटा। अरे यार चक्कर काटा कि नहीं काटा? अब मैं बोल सकता हूँ क्यों चक्कर काट रही भाई? अरे हाँ ना बोल। जो फिजिक्स वाली सिचुएशन है उसमें ये माना गया है कि जिधर सर है उधर ही है। अरे यार नहीं आया, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन पे आप एक रोटेशन नहीं करते। अरे यार हाँ ना बोल। उस दूसरे रोटेशन की वजह से आपको वो रेस्ट पे। अरे मुझे लगा ही नहीं तो मैं आया। कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये रेस्ट में इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑब्जर्वर इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जैसे सर और अर्थ में हो रहा है, क्या अर्थ अपने एक्सिस में भी घूम रही है? yes, और क्या उसी एक्सिस में भी घूम रही है? yes, ये रियलिटी। जब मैं उस तुम्हें नहीं आया, अपनी भाषा में लिख लो तीन चार लाइन जो लिखनी है। और बोल कैसा लगा? ठोक दीजिए महाकाल का।